ये ऐसा मामला रहा है कि 1996 में मैं संसद में आ गया था और हमारे 2 वर्ष बाद हमारे भाई अरुण जेटली आए। मेरी अंतिम लंबी बहस इसी मामले पर संसद में हुई थी। अरुण जी और हम दोनों उभय पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राम हमारे कुल के क्षत्रिय कुलभूषण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम कोई कहानी या किसी कथानक का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत और भारत के दर्शन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। संभवतः इसीलिए जब रामायण देश में दिखाया जा रहा था तो सड़कें बंद हो जाती थी, और मुझे तो ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर, जहाँ पर इतना ज़्यादा अलगाववाद है, वहाँ पर पहली बार पत्थर चलना तब शुरू हुए जब रामायण के प्रदर्शन के मध्य बिजली चली जाती थी, जिसकी माँ एक छोटे कमरे में रहती है, जिसके राज में देश के बड़े बड़े धन पशु और धन सांड झूठे विधेयकों के माध्यम से अपनी कंपनी के तलपट में देश का पैसा नहीं रख पा रहे हैं, और जिस GST के लिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है उसका संदेश नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी। मैं प्रणाम करता हूँ राजीव गांधी को, जिन्होंने वीर बहादुर सिंह, अपने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अपने गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू से ताले खुलवाए। लेकिन मैं आज के उनके राहुल जी के पिता राजीव गांधी ने जो किया, उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, उसका सम्मान करते हुए कांग्रेस को 1767 में उस राष्ट्रीय लेखक के संस्मरण का सम्मान करते हुए, और अगर वो संभव नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जो आदेश है, आदरणीय मोहन भागवत जी का भी यह बयान आ गया कि अदालत के आदेश को संघ को भी मानना ही है, तो अगर अदालत का आदेश आ जाता है तो सुनील सिंह जी ने जो इस में वर्णित कर दिया है कि 1767 में एक चश्मदीद राष्ट्रीय लेखक ने लिख दिया है कि वहाँ रामनवमी मनाई जा रही थी, तो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसलिए नहीं कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में भेद हो। अगर दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत शानदार बनती है तो बहुत खुशी की बात है, और उतनी खुशी की बात होगी अगर राम को मानने वालों के, उनके दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी अभिलाषा के लिए एक भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो।